दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर विंध्य के पहाड़ी सिलसिलों में 2000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है एक ऐसा तारीखी शहर जहां कदम कदम पर तारीखी इमारतें और उनका इतिहास बिखरा पड़ा हुआ है। नाजरीन, ये तारीखी शहर है मांडू, जो कि हजार साल पुराना शहर है। यहाँ महज 72 किलोमीटर में तकरीबन 300 से ज्यादा तारीखी इमारतें, मकबरे, मस्जिदें और महलात मौजूद हैं। तो दोस्तों चलते हैं और एक ऐतिहासिक शहर मांडू से रूबरू होते हैं। हिंदुस्तान की इस अजीम तारीखी सरजमीन पर बेशकीमती मस्जिदें, मकबरे, ऐतिहासिक महल ऐसे वीरान पड़े हैं मानो यहाँ कोई रहा ही ना हो। ये मध्य प्रदेश का तारीखी शहर है मांडू, जो एक दौर में शादियाबाद के नाम से जाना जाता था। आज से तकरीबन 700 साल पहले इस शहर मांडू पर 300 सालों तक हिंदू राजाओं की हुकूमत थी, लेकिन मांडू का इतिहास तो चर्चे में तब आया जब सन 1305 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मांडू पर फतेह हासिल की। अलाउद्दीन खिलजी के सरदार आइनुल मुल्क ने मांडू के हिंदू राजा महलाक देव से जंग की और मांडू को एक मुस्लिम रियासत में तब्दील कर दिया गया। तभी से यानी 1305 से मांडू शादियाबाद कहलाया, यानी खुशियों का शहर। नाजरीन, सन 1400 में मांडू पर हुकूमत थी दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की, जिनके सूबेदार दिलावर खान गोरी ने मांडू को अपना हुकूमत का दारुल मरकज बनाया, यानी हेडक्वार्टर बनाया। दिलावर खान गोरी ने मांडू में कई खूबसूरत इमारतें तामीर की और मांडू को हुकूमत का सियासी मरकज बनाया। दिलावर खान के बेटे होशांग शाह ने मांडू में उस दौर की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद तामीर की, जिसको जामा मस्जिद कहा जाता है। इस शहर में जैसे जैसे बादशाह बदलते गए, बड़े बड़े महल, इमारतें, मस्जिदें और मकबरे तामीर होते गए। सन 1436 में मांडू पर हुकूमत करने वाले सुल्तान महमूद शाह खिलजी ने मांडू में एक ऐसा महल तामीर किया जिसको देखने आज लाखों लोग आते हैं। इस महल को जहाज महल कहा जाता है, जो कि पानी के दो तालाब के बीचों बीच बनाया गया है। दोस्तों मांडू पर तकरीबन 150 सालों तक मालवा के इन्हीं सुल्तानों ने हुकूमत की। मांडू के आखिरी सुल्तान बाज बहादुर थे कि जब मुगलों के बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सन 1561 में मांडू पर हमला किया और मांडू मुगल रियासत में शामिल हो गया। दोस्तों ये ऐतिहासिक शहर की तारीख काफ़ी तवील है। एक दौर था कि जब इस शहर की आबादी 9 लाख हुआ करती थी, लेकिन आज ये इमारतें, ये विरासतें वीरान, बेबस, बेसहारा है। दोस्तों मांडू में जामा मस्जिद, बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती का महल, होशांग शाह का मकबरा, जहाज महल, दरिया खान का मकबरा, अशरफी महल जैसे कई मॉन्यूमेंट्स आज भी सही सलामत है, जो कि मालवा के मुस्लिम सुल्तानों की कामयाबी, कुव्वत और शोहरत को बयान करते हैं।
दोस्तों मांडू पर मुगल बादशाहों की 200 सालों तक हुकूमत रही। मुगल बादशाह जहांगीर और मुगल बादशाह शाहजहां ने मांडू में अपना कई वक्त गुजारा। मांडू यानी शादियाबाद अब महज एक तारीख बन चुका है। अब इन पर हुकूमत करने वाले वो बादशाह नहीं रहे। अब ये इमारतें, ये मकबरे महज किताबों में दर्ज हो चुकी हैं।